गुलबर्गा शहर के आजादपुर रोड रॉयल गार्डन के करीब मौजूद अल तैयबा इंग्लिश मीडियम स्कूल में 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर जवामुल करीम ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने शिरकत कर फ्लैग होस्टिंग की है और साथ ही इनके अलावा जवामुल करीम के ट्रस्टी मोहम्मद अशफाक अहमद भी यहां मौजूद हैं। फ्लैग होस्टिंग के बाद हमदो खिरात के साथ जश्न यौम आज़ादी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें अल तैयबा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर्स की मदद से तुलबा और तालिबात ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और उर्दू में देशभक्ति और आज़ादी के सॉन्ग गुनगुनाए हैं और स्टूडेंट्स ने इस मौके पर काफ़ी अच्छे अंदाज में परेड का बेहतरीन मुजाहरा किया है। इस जलसे की निगरानी स्कूल चेयरमैन मोहम्मद मंसूर अली जुनेदी साहब और सेक्रेटरी आसमा परवीन साहिबा ने की और प्रिंसिपल नाजिया तजावीन और दीगर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया है। मंसूर अली साहब और दीगर ने मोटिवेशनल स्पीचेस देते हुए इंडिपेंडेंस डे पर मोटिवेट किया है। दीगर कई मेहमान और स्कूल मैनेजमेंट ने इस मौके पर क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। He has come in speech and intelligence. Ash-shamsu wal qamaru bi husban. The sun and the moon follow process exactly computer. Apne malik ka main naam lekar bazm ki ibteda kar rahi hu. Ya khuda abu rurak meri tu. Ya khuda ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸದ್ಯವಾಗಿಸಿದವರನ್ನು ಎಂದು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು. ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಲಿದಾನ ಕುರ್ಬಾನ್ ಆಜಾದಿ ಖುಷಿಯ ಮನಾಕರ್ ಲೋ ಶಪಥ ಕೇಕಿ ಬನಾಯಂಗೆ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಹಾನ್. आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आयशा अमरी है और मैं नवी कक्षा में पढ़ती हूँ. आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. Love my country India, proud of my country India. Love my brothers and my sisters, beautiful country India.
beautiful country, India. I was proud to see our nation as a socialist, democratic, republic, secular, and we are really proud of that. Today we not only need to be proud of our glorious past, but also work to make our present and future better than our past. What is patriotism? Patriotism is a very deep and meaningful word, and its meaning changes according to the demand or time. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಡಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗಿಯಾತನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಹಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ವರ್ಣವನ ಜತೆಗದಂದ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ be possible, and I personally thank management, my staff and students. Azadi jisse mili wo shakhs musalman tha. Azadi jisse mili wo shakhs musalman tha. Jiya jisne Hind ko Taj Mahal wo shakhs musalman tha. Aaj kehte ho gaddar hai musalman. Aaj kehte ho gaddar hai musalman. Shuru ki jisne azadi ki ladai wo shakhs Tipu Sultan ek musalman tha. इस मुबारक और पुरविखार तकरीब में मेरी तकरीर का उन्वान है यौम आज़ादी और इसका पस मंजर। हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई, इसके लिए हमारे असलाफ ने जबरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया। जान को माल की कुर्बानियां दी, तहरीकें चलाई, दफ्तरदार पर चढ़े, फांसी के पंजे को जुरत को हौसले और कमाल बहादुरी के साथ बाखुशी गले लगाया। आपके जो आपने खुद एक बड़े बहुत बड़े आप शायर भी थे, आशिक रसूल भी थे, हिंदुस्तान की आज़ादी में आपका बहुत बड़ा किरदार था। जिस वक्त आपको तख्तेदार पर लटकाया जा रहा था, आपकी जबान पर नातिया अशार थे, वो अशार ये थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आपने अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए कहा था, अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। फिर आप कहते हैं कि नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आपने अपनी आखिरी सांस से उम्मत को एक पैगाम दिया कि तुम इत्तेहाद के साथ वतन की मोहब्बत में इस आज़ादी में आगे बढ़ो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो। अगर आप तैरना सीखते तो आज अपनी जिंदगी को बचा सकते थे, तो इसलिए हमसे तालीम कभी भी जाया नहीं जाती, चाहे कोसो लैंग्वेज क्यों ना हो, कोसो ट्रेनिंग क्यों ना हो, कोसो तरबियत क्यों ना हो। तो मेरी ख्वाहिश आपसे यही है कि आप हर मौके पर अपने तालीम को हासिल करें, अपने किरदार को अच्छी तरह से बनाएं। मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, खासकर इस अलतैबा स्टूडेंट के तरफ से ये शेर है, जो ताते हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ पर जलती है, जो ताते हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ पर जलती है, जो अबर यहाँ पर यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अबर यहाँ यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। आखिरी एक दुआ के दो लाइन बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अजम मोहकम अता कर खुदाया, अजम मोहकम अता कर खुदाया, हौसलों को नई जिंदगी दे, हौसलों को नई जिंदगी दे, सर उठाए हर सू अंधेरे, सब चिरागों को रोशनी दे, सब चिरागों को रोशनी दे। टुडे वी सेलिब्रेटेड 78th इंडिपेंडेंस डे इन अलताबा स्कूल। On behalf of Altaiba School Management, I would like to thank all the teaching staff, non-teaching staff, parents and students for making wonderful occasion today. Alhamdulillah, we are going ahead with Altaiba School, and I hope all the students will be participate in the next future occasions, future activities, future competitions, and we will win. Alhamdulillah. आरे जनाब अलहाज शहबाज सर हमारे यहाँ पर मौजूद थे, इसके अलावा शमशुद्दीन साहब, मौलाना हुसैन पीरा साहब और दीगर
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने परफॉर्मेंस को पेश किया और आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज जैसे कि मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाया है क़िरात कलाम पाक से हुआ, फिर हम्द बारी ताला नात शरीफ पढ़ी गई, उसके बाद उर्दू कन्नड़ इंग्लिश मुख्तलिफ ज़बानों में बच्चों ने अपनी अपनी तकारीर को पेश किया और मोहब्बत भरे तराने और इजहार मोहब्बत के खातिर बच्चों ने कई एक मनकबतें यहाँ पर पेश फरमाई। कुल मिलाकर बड़ा ही कामयाब ये प्रोग्राम रहा जिसमें तमाम टीचरों ने काफ़ी अच्छे अंदाज में बच्चों की तरबियत और बच्चों के लिए परफॉर्मेंस को पेश करने के लिए उनको इंस्पायर किया था। मैं इस मौके पर तमाम अलतबा इंग्लिश मीडियम स्कूल के मैनेजमेंट बिलखसूस आले जनाब मंसूर जुनेदी साहब का दिल के अमीर तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों के लिए आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ से वो अपने तालीम का मुजाहरा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस स्कूल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह हर नजर बस से इसकी हिफाजत फरमाए और दिन ब दिन इसकी तरक्की को ऐसे ही आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम नाजिया तजामीन, हेड मिनिस्टर्स ऑफ अलतबा इंग्लिश मीडियम स्कूल कलबुर्गी। आई विश ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I am very happy to inform that the students of our school delivered speeches not only in English but also they delivered the speech in Kannada, Hindi and Urdu. And also this year we have celebrate Independence Day with great enthusiasm. The students did parade successfully. They have also sung songs of patriotism in three languages. We could do this possible with the support and help of our management and teachers. Without their help, it could not be possible. And I personally thank management, my staff and my students. Jazakallahu khairan. Aaj alhamdulillah Altayba school mein 78th independence day celebrate kiya gaya jisme tamam zimmedaron ne Altayba hazir rahe, जिसमें तलबा का बहुत बेहतरीन मुजाहरा रहा और इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारान भी अपने ख्याल का इजहार किए, तो मुझे बहुत खुशी है कि तलबा भरपूर इसमें हिस्सा लिए और तमाम हमारे स्टाफ बहुत मेहनत से जो है इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम इस अलतैबा स्कूल के जिम्मेदारान, खासकर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब मोहम्मद मंसूर अली साहब और असमा परवीन साहिबा और साथ ही साथ HM मैडम नाजिया तजावीन मैडम का भी मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत तमाम लोगों का जो भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए मदद किए हैं गायबाना तौर पर हाजिराना तौर पर, तमाम का भी मैं इस स्कूल के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम एज डेजिग्नेटेड एज इंचार्ज ऑफ अलतैबा इंग्लिश मीडियम स्कूल। This is an institution which started for the cause of educating a community in specific and society in general. The motive and the initiative idea of educating the children has become the priority. The management works collectively for the betterment of the student. They are not only concerned about the education but also they extend both moral and financial support, especially for the underprivileged students. As you know, today we are celebrating 78th Independence Day. We celebrated our Independence Day with enthusiasm and a great zeal. Students actively participated in parade, speeches in all the three languages, patriotic songs and the motivational speech by Joint Secretary Mr. Mansoor Ali Sir, our headmistress Maulana Husseini Pira and all the teachers and non-teaching staff who are tirelessly worked for today's event a successful one. Inshallah, we'll try hard and work to give the best. Thank you.